अस्सलाम वालेकुम नाइक साहब, मेरा नाम संजय कांबड़े है, मैं सलाहपुर से आया हूँ, अल्लामा लाइब्रेरी से आया हूँ। मेरा एक भाई ने, गौस भाई ने मुझे दावत दी कि खिदमत में जाना है, मैंने अल्लाह का नाम लिया, माशाल्लाह मुझे मौका मिल जाए। तो मैं इस्लाम के बारे में पहले से ही जानता हूँ, मैं कई रोजे रख के कई बार नमाज पढ़े, तो मेरे घर में ना मेरे इस्लाम के बारे में मुझे तहकीकात की जाती है, तो मुझे मारपीट की जाती है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं आज इंशाल्लाह इस्लाम कबूल करने वाला हूँ, तो नायक साहब मुझे इजाज़त दीजिए। तो नायक साहब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे आप कलमा पढ़ दीजिए। एक महीने पहले पुणे में माशाल्लाह जहाँ 50,000 से ज़्यादा मजमा था, कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहब आप बड़े मजमे में लोगों को कलमा मत पढ़ाओ, अकेले में पढ़ाओ। कई बुजुर्गों ने मुझसे कहा, कई विद्वानों ने मुझसे कहा कि जाकिर भाई आप पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस देश, इस हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम देश है दुनिया में जहाँ हर नागरिक को इजाज़त है अपने धर्म का पालन करना और धर्म की दावत देना और जो मजहब चाहते हैं उसको कबूल करना। मैं खुद जानबूझ के कभी किसी को नहीं कहता हूं कि भरे मजमे में आओ, लेकिन आपने जब इल्तिजा की मुझसे, मैं अगर नहीं कहूंगा तो अल्लाह सुबहाना तआला आखिरत में मुझसे पूछेंगे कि तुझे किस बात का डर था। लेकिन इस्लाम कबूल करने के पहले ये जरूरी है ये जान लेना कि आप पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में जबरदस्ती किसी को मुस्लिम बनाना हराम है, इस्लाम में हराम है, इस देश में भी हराम है। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी शख्स आप पर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई दबाव डाल रहा है? नहीं। चाहे ताकत का दबाव हो या पैसे का दबाव, कोई भी नहीं। अगर आप पे कोई दबाव नहीं डाल रहा है और आपने कुरान मस्जिद का मुताला किया है और आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, ना ये देश आपको रोक सकता है। इंशाल्लाह मैं अरबी में अभी कहूंगा, आप उसे दोहराइए और वो आपके लिए काफी है, फिर मैं तर्जुमा करूंगा। अशदु अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वो अशदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मद अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूल। मैं गवाही देता हूँ के अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। माशाल्लाह मुसलमान हो गए। मैं अल्लाह सुबहान तआला से दुआ करूंगा कि आपको इस दुनिया और आखिरत में दोनों में सफलता मिले, और दुआ करूंगा कि इंशाल्लाह आपको जन्नत दे, और दुआ करूंगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को पढ़ो तर्जुमे के साथ और उस पर अमल करो। इंशाल्लाह यही किताब है जो दुनिया में अमल लेके आ सकती है। नायक साहब मैं हर एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि सुभान अल्लाह आप मेरे नाम के रोशन की जाए। भाई साहब चाहते हैं कि मैं उनको कोई नाम दूं, जो नाम मेरे जहन में अभी आ रहा है कि आप अपने आप को अहमद बुला सकते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था अहमद, तो इंशाल्लाह आज से आपका नाम अहमद है। अल्लाह आपको जजाए खैर दे। कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असर नौरात है धुंधला सा सितारा तू है। अब दूसरा सवाल हमारे भाइयों की जानिब से, अगर सेंटर में जो माइक रखा है माइक नंबर 2, अगर उसमें कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो वो सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम प्रसाद वेरनेकर है। नमस्कार नाइक साहब,
मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाजत देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए? आई मीन टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट, लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम यू सेलिब्रेट बकरी ईद विच फेवर्स किलिंग ऑफ गोट्स, आई मीन एज अ मीन्स ऑफ फेस्टिवल. आई मीन हियरिंग टू योर कमेंट्स on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but I accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others, but does Islam favor this thing? Bhai sahab ka bahut acha sawal hai. भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मजहब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाजत देता है. फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी मुमानियत है. आपका सवाल है कौन सा मजहब. पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूंगा, बाद में इंशाअल्लाह दीगर मजहब का भी जिक्र करूंगा. जहां तक के इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बनके भी. इस्लाम में जरूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फर्ज नहीं है. और आप जानते हैं कि यह हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस बड़े मैदान में, सुमैया ग्राउंड में. लास्ट ईयर ये सुमैया ट्रस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग है. एक हफ्ता पहले कॉन्फ्रेंस के पहले कहा कि हम नॉनवेज में नहीं मानते, आप नॉनवेज इस मैदान पे सर्व नहीं कर सकते. हमने कहा कि हम 9 महीने पहले बुक कर चुके हैं, एक हफ्ते पहले आप बोलते ऑलरेडी स्टॉल दे चुके, ये नामुमकिन है. तो उनने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात रखी और लास्ट ईयर हमें नॉनवेज खाने की इजाजत दी. इस साल जब हमने बुकिंग की, पहले शर्त लगाई कि इस मैदान में नॉनवेज सर्व नहीं होगा. हमने कहा ये आपका ख्याल है, हम आपकी ख्याल की इज्जत करते हैं, क्योंकि इस्लाम में नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है. इसीलिए आप देखेंगे फूड कोर्ट में भी नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे. हमारे जो मुकर्ररीन हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, उनको भी हमने कहा, हमने माजरत चाही कि इस ग्राउंड पे हम आपको नॉनवेज नहीं सर्व करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं. आपका सवाल, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला ने हमें इजाजत दी है. कुरान मजीद में लिखा है सूरह मायदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पांव के जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं. लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं. ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी. कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं. जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुबहाना व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं. आज की साइंस ये कहती है के वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है. हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते. 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना जरूरी है. कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है. लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है, इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन. आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज न्यूट्रिशियस, इट इज फुल ऑफ प्रोटीन. और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बिवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं. जब इनकी दांत को हम देखते हैं
इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है, ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर, शेर बब्बर, चीता, हम देखते इनके दांत को, जब देखते इनके दांत नोकीले है, कैनाइन टीथ, ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी वाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बीवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर खुदा, अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्ट सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्ट सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजीपाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजीपाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्ट सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, ये भाजीपाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ भाजीपाला खाए, तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्ट सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मजहब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मजहब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है, भाई साहब आपको आपके धर्म का इल्म कम है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्रा नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं, तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्रा नंबर 41 में, कि जानवर का कत्ल करना जो जानवर खाने के लिए बनाए गए है, वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्मा कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजीपाला देंगे, तो हमारे बाप दादा एक महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाल्लाह बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है, क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है।
इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बींग, क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है। और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मि भाई झवेरी, वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था। वो दुनिया भर घूमता है बताने के लिए कि नॉनवेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा भाई आपस में बैठ के बात करेंगे, नहीं नहीं पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे। मैंने कहा अच्छा आ बेल मुझे मार, तो मैंने कहा ठीक है भाई पब्लिक में। बोला मैं लोग को लेके आऊंगा, मैं बोला लेके आओ। तो पाटकर हॉल के अंदर 1998 में तकरीबन 10 साल पहले डिबेट किया, वो देखेंगे सारी डिटेल्स है। लेकिन हिंदू मजहब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों है, क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फलसफे के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस। और कुछ जैन मानते कि ईटिंग नॉन वेज इज हराम, इज प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजीपाला के अंदर जिंदगी नहीं है, जानवरों में जिंदगी है। जब आप कोई जिंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजीपाला में भी जान है। तो वो जरा अपनी फिलोसफी को तब्दील करते, ठीक है हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते, जानवर दर्द को महसूस करते। इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। तो अभी उनका फलसफा बदल गया, वो कहते हैं अच्छा ठीक है मानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है। इसीलिए जानवरों की जान लेना बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। मैं कहता हूं सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपकी बात मानता हूं, क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है और जानवर के 5 सेंसेस है। मैं उस शख्स से सवाल करता हूं कि मान लो आपका छोटा भाई गुंगा और बहरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो, डबल सजा दो, वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज्यादा के वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है। जो चीज आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं। इसी तरीके से कई वजह, लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूं मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉनवेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूं इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूं। आप अगर गोश्त नहीं खाना चाहते हैं मैं आपसे खुश हूं। अगर हिंदुस्तान में सब गैर मुस्लिम गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते। लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि गोश्त खाना गुनाह है तो मैं ये जवाब देता हूं। अभी आपको संतुष्ट हो चुका होगा कि साइंस के मुताबिक, आपके मजहब की किताब के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गोश्त खाने की इजाजत है सारे इंसान को। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।
خواتین کے شعبے میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہوں تو وہ سوال کر سکتی ہیں السلام علیکم جاکر صاحب آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دیا جی میرا نام رینوکا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی सर मेरा नाम रेणुका है और मैं एक महाराष्ट्रीयन परिवार से हूँ सर मेरा सवाल ये है मैंने सबके सामने इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैंने पिछले 2 साल पहले से ही नमाज पढ़ना और रोज़े रखना चालू किया खुद ही अपने मन से ही तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने मुझे इस्लाम कबूल करवाएं ये मेरी आपसे गुजारिश है और मेरा ये सवाल है कि मैं एक महाराष्ट्रीयन परिवार से होने के वजह से जो सभी नॉन मुस्लिम के दिल में होगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो ये है कि मेरे घर पे जो बुत परस्ती हो रही है उसे कैसे रोकूं और उससे कैसे बचूं और मेरे साथ मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि खुदा एक है बहन माशाल्लाह 2 साल से इस्लाम का मुताला कर रही है जी और उसे यकीन हो चुका है कि इस्लाम सही मजहब है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई शख्स आप पर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं कोई आप पे दबाव है नहीं माली दबाव या प्रेशर नहीं आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं जी आप मानते हैं कि खुदा एक है जी आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए जी आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है जी बेशक और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहराइए जी अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु मैं गवाही देती हूँ के अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है माशाल्लाह अब मुस्लिम हो चुके जी शुक्रिया अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से कि आपके लिए दुआ करें और अल्लाह आपके जद्दोजहद को कबूल फरमाएं आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को आपके वालदेन आपके वालिद वालदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करें कि खुदा एक है सबसे पहले जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ क्योंकि आप एक महाराष्ट्रन खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जाहिर है कि आप हिंदू खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म इस्लाम और हिंदू धर्म में इंसानियत मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफा दे आप उस DVD को देखिए और वो DVD का मुताला करने के बाद आपके वालदेन आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यक्सा है हिंदुइज्म और इस्लाम में उसके ऊपर कम से कम अमल करो और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह सुभाना व ताला आपके घर वालों को हिदायत देगा मेरी ये आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है अगर आप जो कुछ आपके वालदेन कहते हैं
आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, सिर्फ वो बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है। इसके अलावा जो भी बातें, जो भी हुक्म आपके वालदेन आपसे करते हैं, आप उसका पालन करो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी जब इस्लाम कबूल की, अब वो मुझसे और मोहब्बत करती है, वो मेरा और कहना मानती है, उसकी मुझसे और चाहत बढ़ गई है। क्योंकि इस्लाम में है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, इसीलिए आपको यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप उनकी और अच्छी बेटी है। सिर्फ वो चीज, जो चंद चीजें जो वो कहते हैं कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, वो छोड़ के आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, चाहे आपको मुश्किल हो। मिसाल के तौर पे आपको पसंद है पीला पहनना, वो कहते हैं नीला पहनो, तो आप नीला पहनो, क्योंकि नीला पहनना इस्लाम में हराम नहीं है। तो इस तरीके से जो भी बातें आपके वालदेन आपसे करते हैं, आप उनसे और मोहब्बत करो, आप उनसे और प्यार करो। इस तरीके से उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये नया धर्म, ये नया मजहब जिसमें आप दाखिल हुए, वो कहता है कि अपने वालदेन का ख्याल रखो। जिस तरीके से कुरान मजीद में फरमाया सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 में आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह सुबहाना व तआला की इबादत के बाद आपको अपनी वालदेन से मोहब्बत करना चाहिए, और अगर दोनों में से एक या दोनों वालदेन अगर ज़ईफ हो जाते हैं, आप उनके खिलाफ उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनसे प्यार और मोहब्बत करो, और अल्लाह सुबहान तआला से दुआ करो कि मेरे वालदेन को बरकत दे, और जिस तरीके से उनने बचपन में मेरा ख्याल रखा, ए खुदा आप इनका ख्याल रखो। तो इस्लाम में वालदेन की इज्जत करना ज़रूरी है। आप अगर अच्छा बर्ताव करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुबहान व तआला आपके वालदेन और आपके घर वालों को भी हिदायत दे। आमीन। माइक नंबर एक में कोई भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। जी रिस्पेक्टेड टू जाकिर साहब, आई एम सत्यनारायण फ्रॉम यमीनूर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। आई एम बीटेक ग्रेजुएट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह गिव हिदायत टू मी। आई एम ऑल्सो रिवर्टेड इन इस्लाम, बट माय पेरेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड दिस। अल्हम्दुलिल्लाह माय ग्रैंडफादर इज एक्सेप्टेड, बट दे बिलीव ओनली वन गॉड। In front of the Satan is first came, but I know Satan is also created by Allah. In other names of Satan in Puranas, Vedas, what is the other names of Satan in Puranas, Vedas? And my grandfather also asked one question, when the Kali Yuga is ended, I know Kiyamat is when it is came, but he asked when the Kali Yuga is ended. And so many Hindus are followed Sri Rama, Sai Baba, Sri Krishna. I know these are said only one God to our colleagues. These are prophets in between, total prophets. That is 1,24,000 prophets. These are Sri Krishna, Sri Rama, Sai Baba. These are any prophets in between. And another question is, in present also in Kurnool and Chennai, some people are followed Kalki Bhagwan, Amma Bhagwan. इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन। भाई साहब ने सवाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको जज़ाए खैर दे और इसके जद्दोजहद को कबूल फरमाए। इनका सवाल है कि जो शैतान है वो क्या इस्लाम के अलावा हिंदू धर्म में है और उसका क्या नाम है। दूसरा सवाल है क्या कलयुग आ चुका है। तीसरा सवाल है क्या हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं। और चौथा सवाल है कल के अवतार के बारे में। पहला सवाल कि शैतान का क्या नाम है। तो शैतान का सदर है, उसका नाम कुरान मजीद में इबलीस है, लेकिन कुरान मजीद में कहा गया है सूरह नास में कि वो लोग जो दिल में वसवसा डालते हैं आपके दिल में और फिर हट जाते हैं,
वो इंसान में से और जिन में से है। शैतान कुरान मजीद के मुताबिक इंसानों में से भी शैतान है और जिन में से भी। इंसान और शैतान दोनों को फ्री विल दिया गया है, हम चाहे तो अल्लाह की बात मान सकते हैं, चाहे तो नहीं मान सकते। जो लोग को फ्री विल देने के बाद जो अल्लाह सुबहाना तआला की बात मानते हैं वो फरिश्ते के ऊपर हो जाते हैं, जो अल्लाह सुबहाना तआला के खिलाफ जाते हैं उसे कहते हैं शैतान। तो शैतान इंसानों में से भी है और जिन में से भी है, और इसका जिक्र दिगर मजाहब की किताब में भी है। शैतान डेविल बोलो, अंग्रेजी में डेविल कहते हैं, बाइबल में उसका नाम है डेविल। उस तरीके से हिंदू मजहब बाकी मजहब की किताब में भी लिखा है शैतान, और पारसी किताब में अहरमान। तो हर मजहब में देयर इज एन ईविल फोर्स, उसे शैतान कहो, डेविल कहो, इबलीस कहो। आपका दूसरा सवाल है जो कलयुग, ये कलयुग आ चुका है। आपका तीसरा सवाल कि हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं कहने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है मिश्कात अल मसाबी की जिल्द नंबर 3 में, हदीस नंबर 5373 में, जिसका जिक्र है अहमद इब्न हंबल में जिल्द नंबर 5 में सफा नंबर 265 और 266 में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, लेकिन नाम से कुरान मजीद में सिर्फ 25 का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25, लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह फातिर में सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, वह इम मिन उम्मतिन इल्ला खलाफिहा नज़ीर, नहीं है कोई उम्मत जिसमें अल्लाह सुबहाना व ताला ने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वली कुल्ली कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। अल्लाह के रसूल फरमाते 1,24,000 पैगंबर है। आप मुझसे पूछे हैं, हो सकता है कि श्री कृष्ण पैगंबर थे, क्या हो सकता है कि श्री राम पैगंबर थे, क्योंकि कुरान मजीद में श्री कृष्ण या श्री राम का जिक्र नहीं आता है, नहीं कोई सही हदीस में आता है। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये पैगंबर थे, मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, मे बी, हो सकता है वो पैगंबर थे या हो सकता है वो पैगंबर नहीं थे, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो 100% पैगंबर थे। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, ये गलत है, ये कहना गलत है। तो श्री कृष्ण श्री राम हो सकता है पैगंबर थे, हो सकता है नहीं थे, लेकिन अगर वो पैगंबर थे, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए भेजे गए थे, अपनी कौम के लिए, और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए आज आप चाहे इंडिया में जी रहे हैं या अमेरिका में या यूके में या सऊदी अरेबिया में, आज आखिरी पैगंबर जो कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। तो आज चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं या यूएसए में या यूके में या सिंगापुर में या सऊदी में, आपको मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और ये लिखा है हिंदू मजहब की किताब में भी। जिस तरीके से आपने कहा कल के अवतार के बारे में, इसके ऊपर तकरीर दी थी मैंने लास्ट सैटरडे, एक हफ्ता पहले 15 तारीख को इसी स्टेज पर, एक हफ्ते पहले मैं तकरीर किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, और उसमें मैंने कल के अवतार का भी जिक्र किया था। लिखा है कल की पुराना में चैप्टर नंबर 2 में वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में कि कल की अवतार आएंगे, भविष्यवाणी है, उसके वालिद का नाम है विष्णु व्यास, तर्जुमा करते हो जाता है अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला, उसके वालदा का नाम है सुमति, तर्जुमा होता है अमन रखने वाली औरत,
जिसका तर्जुमा होता है अमीना, कहा गया है कि वो पैदा होंगे संभाला में, अमन की जगह तर्जुमा है मक्का, वो पैदा होंगे उस संभाला देश के सदर के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। इस तरीके से डिटेल में मैंने जिक्र किया था एक हफ्ते पहले कल के अवतार। ये कल के अवतार है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये बात अपने वालिद से कह सकते और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि आपके वालिद को भी हिदायत मिले। अस्सलाम वालेकुम। माइक नंबर दो में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आत्माराम जायसवाल है। मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे घर वालों को मालूम नहीं है कि मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे हालत में मैं बोल भी नहीं सकता कि मेरे घर वाले की क्या राय मशवरा रहेगा, लेकिन चीज़ों को सब बातों को भूल कर मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि मेरी शादी भी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद मैं अपने परिवार में अपने बीवी के साथ, मतलब अपने माँ बाप भाई के साथ रह सकता हूँ कि अलग रहना पड़ेगा? भाई साहब का सवाल है कि वो इस्लाम मज़हब कबूल करना चाहते हैं लेकिन उनके वालदेन को नहीं पता है। क्या अपने वालदेन को बताना ज़रूरी है? और इस्लाम कबूल करने के बाद क्या मैं अपने घर में माँ बाप के साथ रह सकता हूँ कि नहीं? इस्लाम कबूल करने के लिए आपको अपने वालदेन को बताना ज़रूरी नहीं, किसी को बताना ज़रूरी नहीं, दिल में ये मजमे को भी बताना ज़रूरी नहीं। अगर दिल में आप ईमान रखते हैं कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और आखिरी पैगंबर, आप मुस्लिम हो जाते हैं। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको शक है क्या बताने के बाद मेरी जान खतरे में आ सकती है या मुझे कोई चोट पहुँच सकती है, तो आप इसको महफूज रख सकते, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर बता सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन बताना फ़र्ज नहीं है। अगर आपको जान का खतरा है तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप बताएंगे आप आसानी से इस्लाम को फॉलो कर सकेंगे। लेकिन आपको डर है, जान का खतरा है, तो बताना ज़रूरी नहीं। ये आप और आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। आप इस्लाम कबूल करने के बाद बेशक आपके घर में रह सकते हैं, आप आपके वालदेन के साथ रह सकते हैं। जैसा मैंने कहा था पहले जवाब में, जो बहन ने सवाल किया था, आपको अपने वालदेन के साथ और अच्छा सलूक करना चाहिए, उनसे और मोहब्बत करना चाहिए, उनको ये दिखाना चाहिए कि मैं मुसलमान बनने के बाद पहले से और अच्छा बेटा हूँ। सिर्फ वो चीज़ें जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, वो चीज़ आपको नहीं मानना चाहिए। उसके अलावा सारी चीज़ें मानेंगे, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते, अगर नहीं करना चाहते, ज़रूरी नहीं है कि सबके सामने बोलना ज़रूरी नहीं, लेकिन चाहते तो कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि कर लूँ। आप चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करे? जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप पर किसी ने ज़बरदस्ती की? नहीं। किसी ने कोई दबाव डाला? नहीं। आपके मन से कबूल करना चाहते? जी। आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की? नहीं। क्योंकि ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना कुरान के खिलाफ है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि एक अल्लाह है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? आप इस बात में मानते हैं कि एक ही खुदा है? हाँ मानते हैं। उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? जी। अब मैं अरबी में आपको कलमा पढ़ाऊंगा और आप दोहराइए। ठीक। अशदु अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशदु व अशदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मद अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु मैं गवाही मैं गवाही देता हूँ देता हूँ कि अल्लाह
के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है, पैगंबर है। माशाल्लाह आप मुसलमान हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई गैर मुसलमान मुस्लिम बनता है, ये हर मुसलमान का फर्ज है कि उस नौ मुस्लिम का इस्तकबाल करे, उससे मोहब्बत करे। क्योंकि जब भी एक गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि वो एकदम पाक हो जाता है। हम मुसलमान जो सालों से इस्लाम को फॉलो कर रहे, कितने गुनाह कर चुके, आप कोई भी गैर मुस्लिम कोई भी मुशरिक जब इस्लाम कबूल करता है, आज वो ऐसा है कि नया जन्म लिया है, उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। और ये मुसलमान भाइयों और बहनों का फर्ज है कि वो नौ मुस्लिम का इस्तकबाल करे, उससे मोहब्बत करे, उससे प्यार करे। उसे ये नहीं एहसास होना चाहिए कि मैं एक नए जगह आया हूँ, उससे मोहब्बत करना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर इस्लाम जानने के लिए और कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई इल्म की ज़रूरत है, आप बेशक हमारे इदारे में आ सकते हैं और आपके दूसरे मुसलमान भाई से मुताला कर सकते हैं। क्योंकि जो कोई इंसान अमन के धर्म का पालन करना चाहता है, इस दुनिया में कोई भी उसे नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। और हम जानते हैं कि कल ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कल टेलीविजन पे हेडलाइन न्यूज थी कि माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल किया। तो जब जॉर्ज बुश माइकल जैक्सन को इस्लाम कबूल करने से रोक नहीं सका था यूएसए में, तो जो भी इंसान अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है इस देश में, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से जब इस्लाम का मुताला करता है और जांच पड़ताल करने के बाद खुश होता है कि ये एक वाहिद मजहब है जिससे उसकी जिंदगी में अमन हासिल हो सकता है, तो हम उसको वेलकम करते और अल्लाह सुबहाना तआला से दुआ करते हैं कि आप को इंशाल्लाह इस दुनिया और आखिरत में इंशाल्लाह सवाब दे और सबसे बेहतरीन रिवार्ड दे। आमीन। ألهمتنا القلوب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيبي.